पद्मावती नहीं चलेगी। पद्मावती और नवदीप जी के बीच कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है जो किसी को भी तकलीफ दे। इन दिनों करणी सेना की चर्चा हर तरफ है, जो फिल्म पद्मावती की रिलीज का विरोध कर रही है। करणी सेना जिस तरह से फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसे देखकर फिल्म की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये करणी सेना है क्या, ये कब, कैसे और क्यों बनाई गई। तो चलिए आपको बताते हैं करणी सेना का इतिहास क्या है। करणी सेना के प्रमुख हैं लोकेंद्र सिंह कालवी। लोकेंद्र सिंह कालवी करणी सेना को भले ही सामाजिक संगठन बताते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि करणी सेना राजनीति में फेल लोकेंद्र सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। दरअसल लोकेंद्र सिंह के पिता चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लोकेंद्र सिंह ने भी राजनीति में भाग्य आजमाया, लेकिन वो कभी चुनाव नहीं जीत सके। 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और हार गए। 1998 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी हार गए। इसके बाद एक राजनीतिक संगठन बनाया, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। लोकेंद्र सिंह की राजनीति में सफल होने की जब हर कोशिश नाकाम हो गई, तो 2006 में बीकानेर जिले में स्थित देशनोक कस्बे के करणी माता मंदिर के नाम पर राजपूत करणी सेना का गठन किया। शुरुआत में इस गठन ने आरक्षण, नौकरियों और इतिहास को संजोने की मांग की थी, लेकिन बाद में इसका फोकस राजपूत गौरव के नाम पर हो गया। करणी सेना को कोई जानता भी नहीं अगर इस साल के शुरुआत में संगठन के सदस्यों ने पद्मावती के सेट पर हमला नहीं किया होता। पद्मावती के सेट पर हमला करने से करणी सेना को मीडिया में जो फुटेज मिली वो अद्भुत थी। तब से अब तक करणी सेना भी चर्चा में है और पद्मावती तो है ही। NMF न्यूज की रिपोर्ट।